हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं दीप गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बैंक क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है, 200 से बाउंस होके जैसे यहाँ पे बाउंस हुआ, यहाँ पे फिर से हमें सेल मिला तो फिर से बाउंस हुआ, तो इधर देख सकते हैं यहाँ से सेल मिला तो फिर से नीचे आया। तो आज अभी देख सकते हैं ये 200 के आसपास है, यहाँ पे हमें एक सेल पोजिशन मिला हुआ है क्रूड ऑयल, राइट। तो यहाँ से एक बात हमको याद रखना चाहिए क्योंकि ये अभी इसका जो अभी मार्केट नीचे ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्टिंग जोन से ऊपर जा रहा है क्या? अगर सपोर्टिंग जोन से ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे यहाँ पे, राइट। तो क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट अगर कंटिन्यू भी हो सकता है अगर ये सपोर्टिंग जोन है, राइट। तो इसलिए आप देख सकते हैं जैसे 1 आवर में या 4 आवर में आप देख सकते हैं यहाँ एक मार्केट एक रेंज में चल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं एक मार्केट रेंज में चल रहा है यहाँ पे, राइट। अभी देख सकते हैं ये रेंज, एक रेंज तो एग्जैक्टली ये सपोर्टिंग था, मैंने जो कनेक्ट किया था ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, आप देख सकते हैं कनेक्ट किया और ये एक सपोर्टिंग लाइन मिला हमें। तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी टू मार्केट ऊपर जाने का, राइट। तो क्योंकि ये यहाँ से बाउंस हुआ, फिर से बाउंस होके जा रहा है, राइट। तो इसे हाई प्रोबेबिलिटी तो फिर से मार्केट ऊपर जाने का, ठीक है, जा सकता है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ बाय एंट्री में ही एंटर करेंगे और बाय के लिए हम वेट करेंगे। तो अगर मार्केट हमें रिट्रेसमेंट मिला तो हम बाय करेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट मिला तो बाय करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट ऊपर की तरफ है, राइट। ऑलरेडी वो नीचे जो सपोर्टिंग लाइन है, सपोर्टिंग लाइन तक आया तो अभी ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट देखेंगे। तो और भी एक बात देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न आपने देखा तो यहाँ पे आप कैंडल स्टिक पैटर्न ने भी कंफर्म किया है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे ये पहले, सॉरी, यहाँ से आप पहले देख सकते हैं ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ तो इसका जो पैटर्न था यहाँ से कंफर्म किया कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट, ऊपर गया मार्केट। तो यहाँ पे भी सेम कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है तो इसे हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 कंफर्मेशन मिला और परसेंटेज आर भी फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये फॉर्म हुआ तो 50 लेवल का क्रॉस कर दिया तो ये हाई कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो अपर बैंड लाइन है। तो यहाँ जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन डाला यहाँ से कनेक्ट करके तो यहाँ तक जा सकता है, राइट। तो इसलिए हमें अभी एंटी पॉइंट देखेंगे तो कहाँ पे एंटी करेंगे। तो इसलिए हमें 15 मिनट अभी देख सकते हैं, 15 मिनट ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप बाय में ज्यादा जाने के लिए जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर किसी ने इनकेस, क्योंकि मार्केट आप 100% कभी श्योर नहीं बोल सकता क्योंकि नीचे आके ये सपोर्टिंग जो लाइन था उसको भी ब्रेकआउट कर सकता है, राइट। सो अगर किसी ने यहाँ पे सेल एंटी लिया तो इसका ऊपर में आप एसएल लगा दीजिए, जो कल का जो हायर पॉइंट था, सॉरी आज जो ओपनिंग का हायर पॉइंट था उसका कम से कम 10-15 पॉइंट का ऊपर एसएल लगा के इसको टारगेट, नेक्स्ट जो गैप अप का अंदर ये आपका 30-40 पॉइंट का नीचे में आप टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ये भी फॉर्म कर सकता है, राइट। ये गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, यहाँ फिर से एक रिट्रेसमेंट करके गैप अप फिल अप करके फिर से ऊपर जा सकता है, राइट। तब ये हायर लो बना के मार्केट जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे भी हमें एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।